है नहीं। श्री नारायण राणे जी, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा और लोकसभा माननीय सदस्य जन के सामने जो अभिभाषण हुआ है, वो अभिभाषण के ऊपर मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उनमें अपने देश ने पिछले 6 साल में अलग अलग क्षेत्र में जो विकास किया है, तरक्की की है, उसके बारे में जानकारी दी, प्रशंसा भी की है। अच्छा काम जो हुआ है उसका उल्लेख उन्हें किया है, उसके प्रोत्साहित भी किया, प्रेरणा भी दी। मैं समझता हूं इस अभिभाषण में उनका 2 नंबर का मुद्दा जो है वो मैं पढ़ना चाहता हूं। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस दशक में हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में इस दशक को भारत को दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। मैं मानता हूं माननीय राष्ट्रपति जी ने इस अपने अभिभाषण में कम से कम 101 मुद्दे जो है उसमें जो माननीय मोदी सरकार है, इस सरकार ने जो काम किया है, विकास किया है, उसके बारे में जानकारी देते हुए एक काम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गति से हो रहा है, इसका समाधान भी उन्होंने व्यक्त किया है। मैं इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। और ये भी कहा है उन्होंने 4वें मुद्दे में, भारत का संविधान इस सपनों का पूरा करने में हम सभी को मार्गदर्शन की। कुछ सप्ताह पहले ही 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश को 12 करोड़ नागरिकों ने सार्वजनिक रूप से संविधान के उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प किया है। सभापति महोदय, इस सदन में इस भाषण पर अलग अलग माननीय सदस्यों ने विकास मुद्दे का यह उल्लेख जरूर हुआ है। मैं सभी को जिन्होंने यह अभिभाषण पर अपने विचार विकास के मुद्दे को समर्थन जिन्होंने किया है उनको मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, ये पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद हमें गर्व लगता है, माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार की प्रशंसा की है और उसके साथ भी उन्हें ये भी बताया है भविष्य में ये सरकार इससे अच्छा काम करेंगी, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। प्लीज आपस में बात करें, आप चेयर पर बैठ, ठीक है, कृपया चेयर पर बैठ करके माननीय वरिष्ठ लोग। सभापति महोदय, ये भाषण में अलग अलग क्षेत्र में जो सरकार ने तरक्की की है, अलग अलग क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो भी नहीं हुआ कोशिश करने के बाद, वो ये सरकार ने करके बताने के बाद भी
हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्य ने उसके बारे में प्रशंसा नहीं की, कई जनों ने उसके ऊपर आलोचना करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, हमें जैसे सदस्य को दुख लगता है, यह देश एकता से नई भारत बनाने की कोशिश होनी चाहिए, ये हमारे अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। उनके ऊपर मार्गदर्शन होना चाहिए थे, अपने विचार रखने चाहिए थे, मगर हमारे माननीय विपक्ष नेता जी ने जो विचार रखे, उन्होंने ये भी बताया कि ये सरकार ने अभिभाषण में तरक्की के बारे में, विकास के बारे में बहुत सारे वादे किए, मगर वादे पूरे नहीं किए। उसका उल्लेख 15 लाख का किसानों के अकाउंट पर पैसा जमा करने का एक मुद्दा उन्होंने रखा, अलग अलग विचार उन्होंने अपने विषय में रखे। ये 15 लाख नहीं जमा हुआ, ठीक है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, आज माननीय हमारे विपक्ष के नेता जन नहीं है, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सत्ता इस देश में थी। हर चुनाव के वक्त कांग्रेस अपने चुनाव में अलग अलग वादे रखते थे। उनके मैनिफेस्टो, मेरे पास भी एक है, वो मैनिफेस्टो में उन्होंने काफी वादे किए थे। एक वादा मैं 50 साल में जो बार बार कांग्रेस करती थी उसका उल्लेख करता हूं, गरीबी हटाओ। ये वादे 50 साल में, 55 साल में कांग्रेस ने पूरा किया। तो 50-55 साल आप जो वादे किए पूरा नहीं कर सके, हमें तो 5 साल पूरे हुए। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि ये वादे आज दिए और कल पूरे होने चाहिए। हमने जो काम किया है, जिसका उल्लेख मैं करता हूं, जम्मू कश्मीर का 370/35A, वो जो काम हुआ है देश के हित में, देश के सुरक्षा के हित में, जो निर्णय सरकार ने लिया, मैं समझता हूं गुलाम नबी आजाद साहब जैसे नेता ने उनके बारे में सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। वहां के वो मुख्यमंत्री थे, करना चाहिए था, ऐसा मेरी उम्मीद रखता हूं, मैं समझता हूं। मगर उन्होंने जिस तरह से वो विषय पर क्रिटिसाइज किया, क्या परिस्थिति 370/35A जब लागू था, जब क्या परिस्थिति थी और क्या आज है। प्लीज बैठ करके बात ना करें, जब आप बोले, जब हमने नहीं कहा कुछ, नहीं प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, आप जब कहते थे हमने कुछ बोला नहीं, आप सुनिए अभी, अरे आप अभी सुनिए, अरे आप सुनिए, नहीं गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अरे गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, बोल, यू एड्रेस टू द चेयर, नारायण राणे जी आप चेयर को संबोधित करें, कोई बात रिकॉर्ड नहीं जा रही। सभापति महोदय, मैं गलत बोलने के लिए खड़ा नहीं, मेरे पास उनका स्पीच है, ये स्पीच है उनका, मैं आज नहीं इस संसदीय कामकाज में आज नहीं हूं, सदर उनका स्पीच है मेरे पास पूरा। सभापति महोदय, 370 निकालने के बाद समानता कानून के मुताबिक वहां के नागरिक, वहां के लोगों की तरक्की जिस तरह से शुरू हुई है वो देखते हुए क्या गलत हुआ इसमें, सीए का कानून बना, नागरिकता संशोधन कानून भी बना, क्या गलत हुआ। मैं इस हमारे अभिभाषण में पेज नंबर 11 में इसमें उल्लेख है,
कि जब भारत आजाद हुआ उस आजादी के पहले सभापति महोदय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के बारे में अल्पसंख्यक उस वक्त आजादी के पहले कितने परसेंट पाकिस्तान के आबादी से कितने परसेंट 24% आज कितने हैं 2% कहा गए 22% कहा गए। तो मैं मानता हूं उनके बारे में किसने चिंता नहीं जो अत्याचार हुए वो अत्याचार किस तरह से हुए कितने आदमी मारे गए कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए उसके बारे में एक भी शब्द किसी ने उल्लेख नहीं किया। जब वो भारत में आए किस तरह से 70 साल में दिन निकाले हो गए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उसके बारे में उनके अत्याचार के बारे में किसी ने शब्द नहीं निकाला। ये कानून गलत है भारतीय संविधान में संविधान के खिलाफ है ऐसे आरोप हमने वो कानून संविधान के मुताबिक ही पेश किया है उसके मुताबिक पेश किया है। तो मैं मानता हूं ये गलत कहने का क्या मतलब है जो माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे इस अभिभाषण में जो ये सरकार ने अच्छे काम किए कर रहे हैं उसके बारे में जो प्रशंसा किए उनके बारे में कुछ कहना चाहिए मार्गदर्शन होना चाहिए ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। पर माननीय सभापति महोदय मुझ में सभी विरोधी नेताजन से जो मैं विचार उनके सुने उसमें सरकार के ऊपर क्रिटिसाइज करने के सिवा इस माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें कोई अच्छा या अच्छा काम दिखाई नहीं दिया ऐसा मुझे लग रहा है। मैं मानता हूं आज की जीडीपी का विकास दर 2.29 होगा परसेंटेज होगा मगर मुझे कहना है हमने अलग अलग योजना हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने शुरू किए थे हमारे देश में उनके लिए लगने वाली निधि कम नहीं किए योजना नई नई आ रही है निधि के लिए खर्चा हो रहा है सरकार पैसा दे रही है जीडीपी का प्रमाण कम होने से तरक्की तो हमने रुकाया नहीं विकास तो रुकाया नहीं है। एक सदस्य ने कहा ए जीडीपी 2.9 वो जीडीपी 2.29 नहीं है वो ग्रोथ रेट है मगर हमने ये ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमारी जो कोशिश है वो कोशिश भी देखनी चाहिए। ये भाषण में अभिभाषण में उसका काफी उल्लेख है किसानों का उत्पन्न दुबला करेंगे तो जरूर किसाने के ऊपर जो खर्चा हमारा सरकार कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में जो हमारा सरकार खर्चा कर रहे हैं उद्योग क्षेत्र में जो हमारा सरकार खर्चा कर रहे हैं वो किस लिए कि हमारा जीडीपी बढ़ने के लिए रोजगार निर्माण होने के लिए हमारे जो जवान है जो बेकार है उनको जॉब मिलने के लिए हमारी सरकार जो प्रयास कर रहे हैं वो एप्रिशिएट होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था मगर ऐसा अनुभव मुझे मिला नहीं। माननीय सभापति महोदय ये इस भाषण में हमारी सरकार ने घोषणा दी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र पर उन्होंने हमारे सरकार चल रही है गति से चल रही है इसका उल्लेख उन्होंने किया है।
सभापति महोदय, हम इसी गति से काम करते वक्त अलग अलग विकास योजना, अलग अलग क्षेत्र में हमने शिक्षण क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में हमने जो काम किया है उसके बारे में सरकार माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका खास उल्लेख करके उनकी प्रशंसा भी की है। सभापति महोदय, हमारे सरकार ने जो नागरिकता कानून, माननीय राणे जी आपका ये मेडन स्पीच था, 15 मिनट समय मिलता है, पूरा हो रहा है, ठीक है, मैं कंक्लूड करिएगा, ठीक है, शोर कर। तो मैं सभापति महोदय, हमने जो घोषणा दी उसके ऊपर वो घोषणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सभापति महोदय, इसमें इस विषय पर बोलते हुए कहते हुए विचार देते हुए हमारे एक साथी का भाषण मेरे हाथ में है, सम्मानीय संजय राउत जी का। उसमें उन्होंने जो कहा है मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं। उन्होंने कहा सरकार की तो मन की बात होती है, वह भी आपने सुन ली, लेकिन देश में भी एक आवाज उठ रहा है। ये कौन सा आवाज, उसका उल्लेख नहीं है, कौन सा आवाज, वह भी सुनना चाहिए। जिसका माहौल देश में आज हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी शक्ति है जो ये देश को फिर एक बार तोड़ना चाहती है। सभापति महोदय, देश को तोड़ने वाली ऐसी कौन सी शक्ति है, उनको जानकारी है तो उन्होंने देना चाहिए। क्यों नहीं उन्होंने बताया आपने? इसमें देश का एकता को खतरा पैदा करना चाहती है, वो कौन सी शक्ति है, उसका भी उल्लेख नहीं है। सभापति महोदय, उनके विचार में उसने विश्वास शब्द पर जो कहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो कहता है देश का विकास होता ही रहता है, विकास की बात है, साथ की बात है। अब इस साथ की बात करें तो 30 साल का हमारा साथ था ना सभापति महोदय, 30 साल है। ये आखिरी दोनों, ये 30 साल साथ था, साथ कौन छोड़ा? साथ में था तो उनके विचारधारा कैसी थी? हिंदुत्व विचारधारा थी, अभी बदली हो गई तो विश्वासघात किसने किया? महाराष्ट्र में सरकार किसने बनाया? 56 विधायक होते हुए भी 145 चाहिए सरकार। सब मेरे एक लाइन तो पूरी होंगी, हाँ लाइन पूरी करें सर। 3 दिन में तो रास्ता देखते बैठे नाम आते थे। 15 मिनट आपका समय था, आपने 18 मिनट पहले बोलते तो मैं ये मुद्दा नहीं, दो लाइन ही दे, वो आप आपका समय निर्धारित है, तो मैं बैठ जाता हूँ, दो लाइन बोलने दीजिए ना। बोलकर बैठे समय, आपके मेडन स्पीच भी 18 मिनट उन्होंने दिए, नहीं आप खत्म करें। उन्होंने कहा कि 30 साल में हमें 30 साल हम साथ तक क्या हुआ, विश्वास कहा मिला? विश्वास देने को विश्वास मिलता है, जो बेईमानी करने वाले को विश्वास नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में सरकार है, वो बेईमानी करके सरकार सत्ता पर आई है। उन्होंने 145 विधायक लाकर सत्ता पे मुख्यमंत्री पद नहीं पाए है, तो ऐसे लोगों ने इस सब्जेक्ट में नहीं बोला तो ही अच्छा है। उन्होंने हमारे बीजेपी के इस लोगों के सामने हाथ करके उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। वो किसको कहते छोड़ेंगे नहीं? ये लय, ये भाषा, ये राज्यसभा की लैंग्वेज है सर। सभापति महोदय, जब आप ही सभापति थे, उन्होंने हाथ कर कहा कि हम छोड़े, किसको छोड़ेंगे नहीं? कौन है वो, क्या ताकत है देश में, राज्य में उनकी? वो तो जनता को मालूम है, मैं ज्यादा ही नहीं कहूंगा। इस तरह की भाषा आप मत कहिए, भले सरकार कुछ दिनों का है तो इस तरह की भाषा उन्होंने नहीं करना चाहिए, और उनको आप अलाउ नहीं करना चाहिए इस तरह की भाषा। थैंक यू, इतना मैं कहता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ।
और फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद आभार मानते हैं।